वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, बहुत ही स्वादिष्ट जो भंडारे वाले बनती है ना, वही चटनी हम बनाएंगे। हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन था, उसी में बनी थी ये चटनी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल डालने के बाद तड़का लगा दिया, धनिया, जीरा, सौंफ और मंगरेल जो होता है ना, उसके बाद हमने इमली को भिगो के रखा हुआ था ना, उसको छान लिया है। ये हमारे हलवाई भैया जी बना रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था इनसे। और यहाँ पे तड़का लगाने के बाद इन्होंने इमली को, जो इसमें इमली का पल्प निकाला था ना इन्होंने, उसको इसमें डाल दिया है अभी इन्होंने, और इसको अब चला रहे हैं अच्छे से। और वहाँ पे अब इन्होंने डाल दिया है चीनी, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा डाल दिया था नमक, और नमक डालने के यहाँ जस्ट बाद ही इसमें डाल दिया था, जैसे ही बॉयल आया था इसमें डाल दिया इन्होंने फूड कलर। और ये चटनी बहुत अच्छी बनी थी, खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पे भैया डाल दिए हैं कलर, डालने के बाद इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 चम्मच इन्होंने बड़े चम्मच घोल के रखा हुआ था। यहाँ पे इन्होंने 2 से 3 बड़े चम्मच जो हम सर्विंग स्पून होता है ना, उसी में से इन्होंने घोल के रखा हुआ था, उसी से इन्होंने घोल के डाल दिया है इसमें। और ये खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको कंटिन्यू मिलाते रहेंगे, नहीं तो ये प्लम्स भी इसमें पड़ जाएंगे। और ये बहुत अच्छी चटनी बनकर तैयार है, आप इसका लुक देख सकते हैं, ठीक हो गई है। और ये चटनी खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और महीनों तक इसको फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चटनी बनी थी। थैंक्स फॉर